दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है? सूरज, मुकुल, कहाँ हो तू? कहाँ चले गए हमें बिना बताए? कहाँ हो मुकुल, कहाँ हो तुम? मम्मा प्लीज मत रोइए, पापा जहाँ पे भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे, देखना वो जल्दी घर वापस आ जाएंगे, आप परेशान मत हो। हमने सब जगह ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिले, अब कहाँ ढूंढेंगे उनको? कहाँ ढूंढेंगे, कहाँ ढूंढेंगे? सूरज, सूरज दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो सूरज। खोल रहा हूँ, खोल रहा हूँ। आप अंदर चलिए, हो सकता है पापा अंदर आ गए हो, मैं अपनी चाबी से खोल। सूरज, सूरज ये सब क्या है? Happy birthday to me, happy birthday to me. आप लोग भूल गए ना, तो मैंने अपने लिए एक छोटी सी पार्टी मम्मा आपके कर। आप रहने दीजिए, वो होश में नहीं है। कैसा बेटा है तू, तुझे बाप की बिल्कुल भी चिंता नहीं है? अरे तो रेड बच्चे हैं, जस्ट चिल, टेंशन मत लो, डैड आ जाएंगे। आओ दीदी, आओ केक काटते हैं। सूरज छोड़, बेटा है या दुश्मन, तेरे पापा गायब है और तुझे पार्टी की पड़ी है, मजे कर रहे तू? अरे तो क्या हो गया, मैं केक नहीं काटूंगा, तो क्या डैड लौट आएंगे? मेरे केक काटने ना काटने से डैड का क्या लेना देना? मेरे फ्रेंड सही कह रहे थे कि सूरज केक काट ले, केक काट ले, मैंने बोला नहीं। मेरी दीदी जब तक नहीं आएगी, मेरी मम्मा जब तक नहीं आएगी, मैं केक नहीं काटूंगा। आवे मम्मा, शर्म नहीं आती तुझे? Happy birthday dear सूरज, happy birthday। क्या करूं इस लड़के का, क्या छोड़ी करूं से? आप आइए मम्मा, बैठिए, मैं पानी लेके आती हूँ आपके लिए। नीतू, क्या हुआ? नीतू क्या हुआ? घर पे कि नहीं यार? नीतू दीदी, भाभी कोई है? अपनी चाबी से दरवाजा खोलना पड़ेगा, दरवाजा कोई क्यों नहीं खोल रहा यहाँ पे? नीतू दीदी, भाभी कहाँ है सब लोग, कोई दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? सूरज बाबा, सूरज बाबा होश में आइए, सूरज बाबा, सूरज बाबा, ये छोकरा ना कभी नहीं सुधरेगा। भाभी कहाँ है? भाभी जी, ये क्या हुआ भाभी को? भाभी, 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 भाभी क्या हुआ? नीतू दीदी, नीतू दीदी होश में आइए, भाभी होश में आइए। नीतू दीदी, मॉम अब ठीक तो है? अब खड़े होइए। आशीष, आशीष का कटा हुआ सर। सूरज, आशीष का कटा हुआ सर। तूने तूने मारा उसे? अरे क्या कटा हुआ सर, किसका? आशीष का कटा हुआ सर फ्रिज में, तूने मारा उसे? यहाँ पे आए नहीं तो मैं मारूंगा क्यों? उनका कटा हुआ सर फ्रिज में है। अरे कौन सा कटा हुआ सर, आशीष अंकल नहीं आए यहाँ पे। सूरज रात को क्या हुआ था? आशीष अंकल का कटा हुआ सर फ्रिज में कैसे है? कोई कटा हुआ पे हमने कटा हुआ सर देखा है, तूने क्या किया बता? अरे अगर आशीष अंकल आए होते तो मैं उनसे पापा का नहीं पूछता, या उनके फोन से तुम लोगों को फोन नहीं मिला था। झूठ मत बोल, झूठ मत बोल, फ्रिज में आशीष अंकल का कटा हुआ सर है। कौन सा कटा हुआ सर? फ्रिज में कटा हुआ सर। कहाँ है सर? यहाँ तो कुछ नहीं है मॉम। कहाँ गया, कहाँ गया?
पी हुई मैंने और छड़ी हुई आप लोगों को है। हमने देखा था यही यही तो था। बीना आशीष, बीना आशीष कहाँ है? निकी आंटी अभी तक तो कुछ पता नहीं चला है, वो मुकुल अंकल के साथ ही गए थे, लेकिन आपको कुछ पता चला डैड का? हाँ निकी वो हाँ बोल नीतू कहाँ है डैड? वो बात ऐसी है ना निकी की, नीतू प्लीज बोल मुझे डर लग रहा है। वो एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हें कैसे बताऊं? आंटी प्लीज बोलिए डैड कहाँ पर है, मुझे बहुत डर लग रहा है आंटी। दरअसल बात यह है कि नीतू क्या हुआ है? निकी चुप हो जा। सूरज सच बता, तूने मेरे डैड के साथ क्या किया है? अरे मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरा यकीन करो, और वो मेरे भी तो अंकल है, भला मैं उन्हें क्यों मारूंगा? चुप करो सूरज, मुझे पता है तुम नशे में कितना दूध रहते हो, तुमने मेरे डैड को मारा है सूरज, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। निकी अच्छा सुनो सुनो, वीना वीना कहाँ है? आंटी वो प्रताप अंकल के साथ मॉम डैड को ढूंढने के लिए कल रात गई थी, और जब वो पूरी रात आई नहीं तो मैंने आज मॉम को कॉल किया, तो प्रताप अंकल और मॉम दोनों का फोन से जॉब जा रहा है। चलो प्रताप के घर चलते हैं। चलो सूरज चलो। अरे दरवाजा तो खुला है। वीना क्या हुआ? लगता है यहाँ कुछ हुआ है। मॉम सीआईडी को बुलाना पड़ेगा। इतना सारा खून, आशीष को यहाँ तो नहीं मारा? हो सकता है मॉम। घर किसका है? सर प्रताप अंकल का। तो आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? सर मेरे डैड और मुकुल अंकल दो दिन से घर नहीं आए, तो उन्हें ढूंढने के लिए मेरी मॉम और प्रताप अंकल भी गए थे, और उनका फोन स्विच ऑफ जाने लगा, तो हम लोग उन्हें ढूंढते हुए यहाँ पर आए, और मुझे इन लोगों ने बताया था कि मेरे डैड का कटा हुआ सर इनके फ्रिज में। क्या डैड का सर फ्रिज में? क्या बात कर रहे हैं? और ये मुकुल? सर उनका भी कोई पता नहीं चल रहा। कैसे हो सकता है फ्रिज में डैड का सर? अभिजीत चलकर देखते हैं। लेकिन अब तो सर है ही नहीं। क्या सर नहीं है? कभी कह रहे हो सर है, कभी कह रहे हो सर नहीं है, क्या मतलब क्या है इसका? सर मुझे मेघा आंटी और नीतू ने बोला था कि मेरे डैड का सर फ्रिज में है, और फिर सूरज ने बोला कि फ्रिज में ऐसा कुछ भी नहीं है। एक मिनट आप प्लीज ठीक से एक बात बताइए, फ्रिज में सर था या नहीं था? मैम मैं बताता हूँ, मैंने घर पे एक पार्टी रखी थी और मेरी मॉम और दीदी डैड को ढूंढने के लिए बाहर गई थी। वाह देख लिया, बाप गायब है दो दिन से और बेटा पार्टी मना रहा है। सर ये जो जब वापस आए तो पार्टी तो खत्म हो चुकी थी, तो मैं नशे में बहुत था तो बेहोश हो गया था, लेकिन जब मैं सुबह उठा तो इन लोगों ने उससे बोला कि फ्रिज में कटा हुआ सर रखा। सर मैंने खुद जाके वहाँ पे देखा, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। अरे ऐसे कैसे अपने आप फ्रिज से सर गायब हो गया? मैम ये सही कह रहा है, तब फ्रिज में सर नहीं था। जब इन्होंने सर देखा तब तुम कहाँ थे? सर बताया दो कि मैं बेहोश पड़ा था, थोड़ी ज्यादा पी ली थी। वो तो दिख रहा है। कोई आया था वहां पे? सर जब वहां कुछ था ही नहीं तो कोई आए या नहीं आए क्या फर्क पड़ता है? बट सर मैंने और मॉम ने देखा था, आशीष अंकल का सर फ्रिज में ही पड़ा था। सर आप मेरा यकीन कीजिए, ये सूरज बहुत नशे में था, प्लीज सर प्लीज आप मेरे मॉम डैड को ढूंढिए सर। देखो सूरज तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि सही सही बता दो,
सर कहाँ है, कहाँ गायब हुआ? सर आप मेरा यकीन कीजिए, वहाँ कोई सर्वर नहीं था, सिर्फ टाइम खराब कर रहे हैं आप। वहाँ कोई सर नहीं था तो फिर सिर गायब कहाँ हो गया? सर यहाँ फ्रिज में तो वो कटा हुआ सर है ही नहीं। देखा, मैंने पहले ही कहा था। मूव ऑन, अभी पता चल जाएगा। सर ये देखो, मुजरिम चाहे कितना भी चालाक हो, कोई ना कोई सुराग तो छोड़कर जाता ही है। देखे ये खून के निशान, खून के, इसका मतलब है सिर यहीं पर रखा था इस फ्रिज में। तो फिर अब ये सिर गया कहां? कहीं पर तो छुपा के रखा है उसे। बताओ सूरज, कहां छुपा के रखा है सिर? सर मुझे इस सर्वर के बारे में कुछ नहीं पता, ना ही इससे मेरा कोई लेना देना है। तो फिर क्या गायब हो गया सिर फ्रिज में से, हवा में गायब हो गया? किसी न किसी ने तो उसे उठाया है, किसी न किसी ने तो उसे छुपा के रखा है। अगर तुमने नहीं छुपाया तो फिर किसने छुपाया? तुम्हारे दोस्त भी तो यहाँ पर थे। लेकिन सर मेरे दोस्तों का इनसे क्या मतलब? और वो आशीष अंकल को जानते भी नहीं, तो वो भला ऐसे क्यों करेंगे? कौन आया था यहाँ पर, उनके अलावा कोई आया था? अरे सर कोई नहीं आया था। कोई तो आया होगा, याद करो जरा, याद करो अच्छी तरह से। सर याद आया, कोई आया था। कौन? सर वीना आंटी आई थी। वीना? क्या मॉम? वीना, निकी की माँ वीना। वो यहाँ किस लिए आई थी, क्या कर रही थी यहाँ पर? सर वो आई तो मुझसे एक फाइल मांग रही थी, उन्होंने मुझसे बोला जल्दी जाओ और पापा के कमरे में ऐसे फाइल लेके आओ। फिर? सर फिर जब मैं फाइल लेके आया तो वो वहां थी नहीं। वीना जा चुकी थी, गायब हो गई वीना। सर कहीं सबके पीछे वीना का हाथ तो नहीं? नहीं, अभी क्या कह रही हो, मेरी मॉम मेरे डैड से बहुत प्यार करती है और वो ये सब क्यों करेंगी? ये झूठ बोल रहा है सर। सूरज ये खूनी है और ये छोडूंगी नहीं। देखिए छोडूंगी नहीं। देखिए प्लीज शांत हो जाओ। सूरज एक बात बताओ, ठीक से याद करके बताओ, क्या जब वीणा यहाँ पर आई थी तो तुम्हें कुछ अजीब सा लगा? मेरा मतलब है उनके बर्ताव भी तुम्हें कुछ अजीब सा लगा या फिर किसी भी बात से अजीब लगा तुम्हें? अजीब सा सर, सर जब वो यहाँ आई थी तो उनके पास एक बैग था, एक बड़ा हैंड बैग। बड़ा सा हैंड बैग, बड़ा सा हैंड बैग, बड़ा हैंड बैग। वीणा जी यहाँ आई थी एक बड़ा हैंड बैग लेके, क्यों, किस लिए? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। इस वीणा जी के फोन रिकॉर्ड्स चेक करो, सब पता चल जाएगा वो कहां पर थी। अभिजीत, वीणा की बेटी निकी ठीक कह रही थी, ये देखो इसके फोन की डिटेल से दिखता है साफ साफ, कल रात वो प्रताप के घर गई लेकिन उसके बाद तो अपने घर लौटी नहीं। और मुकुल के घर से निकलने के बाद 15 मिनट बाद तो उसका मोबाइल ऑफ ही हो गया। हाँ, तो लाल डॉट दिख रहा है तो वो मुकुल के घर जाने से पहले कहीं और भी गई थी। गिरिनगर, गिरिनगर, गिरिनगर गई थी सर, और वहां पे एक घंटे रुकी रही। और सर ये गिरिनगर तो बहुत सुनसान इलाका है, मुंबई से तकरीबन 5-6 घंटे की दूरी पे सर। और फिर वहां जाके एक घंटा रुकी हो, तो उसके बाद में वो मुकुल के घर गई और उसके बाद में उसका फोन ही बंद हो गया। ये सारा चक्कर है क्या अभिजीत? मुझे तो बहुत बड़ी गड़बड़ लग रही है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ये तो प्लानिंग लगती है सर, पहले यहाँ फिर वहां, वहां से मुकुल के घर, फिर मोबाइल ऑफ। पता लगाना पड़ेगा ये वीणा गिरिनगर क्यों गई थी।
अरे एक बार वीणा मिल जाती तो कहानी आगे बढ़ जाती। इस वीणा की बेटी को बुलाओ, निकी को बुलाओ। देखो निकी, बिल्कुल घबराओ मत, या हम सब लोग तुम्हारी मदद के लिए ही हैं। सर, मेरी मॉम का कुछ पता चला? अभी तो नहीं। बट फिर आप लोगों ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? वो इसलिए निकी कि हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है, तुम्हारी माँ को ढूंढने के लिए। पर सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मैं तो खुद इतनी टेंशन में हूँ, पता नहीं मम्मी कहाँ चली गई हैं। देखो, आप ये बताओ, जो वीना जी के साथ किन किन लोगों का उठना बैठना मिलना जुलना होता था, रिश्तेदार के अलावा उनके दोस्त, जो कोई भी, उनके बारे में आप हमें बताइए। वो हाँ बताओ, बिल्कुल घबराओ मत, कहा ना मैंने। हाँ, उनके कुछ फ्रेंड्स हैं, जैसे रमेश अंकल, नलिनी आंटी, जीवन अंकल। अच्छा, तो उनके नंबर हैं आपके पास? जी जी हाँ, मेरे पास नंबर है। गुड, जरा नंबर बताइए। रमेश अंकल का 15, और नलिनी आंटी का जीवन। थैंक यू वेरी मच। हाँ मिस्टर रमेश जी, मैं CID ऑफिसर बोल रहा हूँ। सर प्लीज मेरा ट्रस्ट कीजिए, मेरी मॉम ने कुछ नहीं किया और मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनकी भी जान खतरे में है सर। निकी, कहा ना हमने तुम्हें, बिल्कुल घबराओ मत, हम तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होने देंगे, हम उन्हें जरूर वापस लेकर आएंगे। हाँ सर, सर लगता है पता चल गया है, ये मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे पे एक होटल है, होटल रेस्टवेल, वीना जी के वहाँ होने की खबर मिली है। होटल रेस्टवेल? वाह वाह, क्या तो ताश खेले जा रहा। कौन है आप लोग और यहाँ हमारे कमरे में क्या कर रहे हैं? कोई है सिक्योरिटी? CID से हम लोग। क्या लगा आपको, पति का खून करके यहाँ छुप कर बैठोगी, किसी को पता नहीं चलेगा? पति का खून, ये सब क्या बकवास है, ये क्या बोल रहे हैं आप? ये देखो ताज के निशान, किसी कार के लग रहे हैं। निशान आके यहाँ पे खत्म हो जाते हैं और यहाँ से वापस। जल्दी बताओ निखिल, कुछ मिला? यहाँ पे कार के टायर के निशान मिले, कार आई है और फिर यहाँ से गई है सर। एक बात ध्यान में रखना निखिल, आधी रात को ये वीणा उस जंगल में गई थी, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ करने के लिए ही गई थी। हाँ सर, समझे। अच्छी तरह से ढूंढो, देखो, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है। बताइए वीणा जी, क्या करने गई थी गिरिनगर की जंगल में? गिरिनगर जंगल? ये क्या बकवास कर रहे हैं, मैं कोई जंगल मंगल नहीं गई थी, समझे आप? बकवास हम नहीं कर रहे हैं, बकवास आप कर रही हैं। बताओ, गिरिनगर के जंगल में रात को क्यों गई थी? गिरिनगर जंगल, ये क्या बोले जा रहे हैं, मैं कोई जंगल मंगल नहीं गई थी, समझे आप? ये लो वीणा जी, आपके सारे फोन रिकॉर्ड्स हमारे पास हैं। उन रिकॉर्ड से हमें सब कुछ पता चल गया कि आप कहां कहां गई थी और कब कब गई थी, बताओ। और तो और, अपने पति आशीष की गर्दन काट के मुकुल के फ्रिज में रख दी तुमने, क्यों? ये क्या बोल रहे हैं आप, कहती थी ये झूठ है, आशीष को कुछ नहीं हो सकता, मेरा आशीष कहाँ है, बोलिए प्लीज मेरा आशीष कहाँ है? ड्रामा बंद करो, हमें पता है इस सब के पीछे तुम्हारा हाथ है। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे सचमुच कुछ नहीं पता, मैं सचमुच कुछ नहीं जानती हूँ, मेरा आशीष ठीक है ना? क्यों गई थी गिरिनगर के जंगल में? मैं क्यों गई थी? मैं सर, मैं सच कह रही हूँ सर,
मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं सिर्फ यहाँ पैसे गाड़ने आई थी सर, और किसी काम से नहीं आई थी सर। आप प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए सर। थोड़ी देर पहले तो आप कह रही थी कि आप यहाँ आई नहीं, अब कह रही है कि यहाँ पैसे गाड़ने आई थी। मैं बहुत डर गई थी सर, प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं सिर्फ यहाँ पैसे गाड़ने आई थी प्लीज। ऐसा कितना पैसा था जो पैसा गाड़ना पड़ा है? बहुत सारा पैसा था बैग भर के, और बैग भर के पैसे तो गाड़ने ही पड़ेंगे ना। पर जल्दी बताइए सर, उधर आइए। चलो सर आगे है। आगे जी, मैं आपको बताती हूँ। चलिए कहाँ पर है सर? वो जो पत्थर वहां पड़ा है उसके नीचे। हाँ सर, हाल फिलहाल में खुदाई तो हुई है यहाँ पे। खोदो इसे। देखिए वीणा जी, सच बताओ, अभी भी मौका है। सच सच बताओ। सर मैं आपसे सच कह रही हूँ, मैं यहाँ सिर्फ पैसे गाड़ने आई थी और कुछ करने नहीं। सिर्फ पैसे गाड़ने? जी सर। और कुछ नहीं? तो फिर आशीष का क्या? आशीष को तो तुमने ही। नहीं सर, आशीष को मैंने नहीं मारा सर, सर मैं सच कह रही हूँ प्लीज सर। माय गॉड सर। हाँ सचिन, ये देखिए सर। वीना जी, वीना जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, क्या बात है भाई, आज तो बड़े खुश नजर आ रहे हो। अरे सर, जब मुजरिम हाथ लग जाए तो खुशी तो होती है, क्यों तारिका जी? अरे क्या 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 क्या, क्या हुआ? तबीयत ठीक है आपकी? हाँ मैं ठीक हूँ। नहीं 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 नहीं, ठीक नहीं लग रही बिल्कुल भी, मैं डॉक्टर को बुलाऊं? नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। क्या कर रही है? बैठिए आप बैठिए तो एक मिनट। अरे भैया कुछ नहीं हुआ है उसे, मैंने दवाई दे दी है, हल्का सा सर में दर्द था बस। क्या सर में दर्द है? आप यहाँ नहीं रह सकती, चलिए मैं आपको डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ। चलिए चलिए। कमाल की जिद कर रहे हो यार, मैंने दवाई दे दी कह तो रहा हूँ, वो नहीं जाना चाहती यार। अरे आपको कैसे पता नहीं जाना चाहती, और आपकी वजह से सर में दर्द हुआ होगा इनके। मेरी वजह से? और क्या, इतना काम करवाते हैं आप, इनके सर में दर्द हो गया। मतलब क्या है तुम्हारा? मैं जल्लाद हूँ, इतना काम करा तो जल्लाद। अरे ये मैं कैसे बोल? और क्या, नहीं कहना क्या चाहते? नहीं नहीं सर। और क्या कह रहे हो तुम, समझाओ यार। क्या मुझे क्या बोले जा रहे हो? नहीं आपकी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, देखो सर कितने गुस्से हो गए, जाओ मना लो। बच्चों जैसे रोड जाते हैं, मनाओ प्लीज, जाओ ना। ओके क्या सर, आप भी बच्चों की तरह रूठ जाते हैं, मैं तो मजाक कर रहा था। ये मजाक था? हाँ सर, जैसे पहले करता था। देखो सुनो, तुम्हारे मजाक मुझे कभी पसंद नहीं आए, ना पहले ना अब, कभी मजाक मत करना समझे। देखा, अरे सर प्लीज बता दीजिए ना। नहीं तो मैं नहीं बताऊंगा। हाँ सर, ओके। क्या हुआ है, इतने गुस्से में क्यों? तो क्या करूं, ये अभिजीत मुझे जल्लाद बोल रहा है। सही तो कहा है। क्या क्या बोला? नहीं मैं पूछ रहा था, तू कुछ बताने वाला था ना ये। सर मैं तो इनसे रिक्वेस्ट कर रहा था। रिक्वेस्ट कर रहे थे? जल्लाद बोलना रिक्वेस्ट करना होता है क्या? अच्छा चल अब बता दे यार। ये केस सॉल्व नहीं हुआ। क्या मतलब ये कि आशीष नहीं है? अरे लेकिन सर तो आशीष का ही है ना। हाँ सर आशीष का है, लेकिन धड़ आशीष का नहीं है। यार तो फिर ये धड़ किसका है अगर आशीष का नहीं है तो? अरे मुझे क्या मालूम यार, जंगल में तो तुम लोग गए थे ना। देख सालुंखे, जंगल में जो कुछ भी मिला ना, जो कुछ भी, वो यहाँ लाके तेरे हाथ में ही सौंप दिया था। अब ये कह रहा है कि ये आशीष की लाश ही नहीं है,
अगर आशीष की लाश नहीं तो फिर है किसकी? तो ये तो वीणा ही बताएगी। वीणा? तो बुलाओ उस वीणा। सर मैं आपसे कह रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता लाश के बारे में। मैं तो वहां पैसे गाड़ने गई थी। तो फिर कहाँ गए वो पैसे? क्या जमीन खा गई, क्या आसमान निकल गया है? मुझे सचमुच कुछ भी नहीं पता। हो सकता है जिसने वो रुपए निकाले हो वहां से, उसी ने वो लाश रख दी हो वहां। अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई जानता था कि आपने पैसे वहां पे गाड़े हुए हैं, और वहां पे तो यही थी। हाँ, मगर ये नहीं कर सकती। पर सर, मुकुल के घर पे ये तो गई थी। क्यों गई थी मुकुल के घर, और फिर वहां से गायब क्यों हो गई? सर मैं वहां डायरी रखने गई थी। डायरी? कैसी डायरी? हमें खबर मिली थी कि हमारे यहाँ इनकम टैक्स की रेड होने वाली है, तो हमने सोचा कि मेरा और आशीष का डायरी से नाम हटा देंगे और सारा पैसा जंगल में गाड़ देंगे, और वो ब्लैक मनी की डायरी मुकुल के यहाँ रख देंगे, जिससे मुकुल फंस जाए। जी, किसको किसको मालूम था कि आप वहां पे पैसे गाड़ने जा रहे हैं? प्रताप को। ओ, प्रताप? जी सर, लेकिन प्रताप ऐसा नहीं करेगा। हुआ तो है, अब उसने किया है कि नहीं हम देख लेंगे। आप ये बताइए, आप जानती है प्रताप इस वक्त कहाँ होगा? जी सर, वो उसी होटल में है, रेस्टोरेंट रूम नंबर 506। ऐसे कैसे मर गए आशीष? हमें पूछ रहे हो? तुम बताओ। सर मुझे कुछ नहीं पता। कुछ नहीं पता है? तुम्हें क्या लगा यहाँ छुप कर बैठोगी तो किसी को पता नहीं चलेगा? लेकिन सर मेरे यहाँ छुप कर बैठने की वजह आशीष का खून नहीं था, बल्कि कुछ और बात थी। इनकम टैक्स की रेड की डर की वजह से तुम यहाँ छुप कर बैठे हो। वीणा ने हमें सब कुछ बता दिया है, लेकिन ये बात मुझे पचती नहीं है प्रताप जी। लेकिन सर यही सच है, जैसे ही वीणा को कॉल आया कि इनकम टैक्स की रेड होने वाली है तो हम सब लोग घबरा गए, डर गए थे सर। इनकम टैक्स वालों से बचने के लिए मुकुल और आशीष पहले से कहीं जाकर छुप गए थे। मुझे लगा ये दोनों तो भाग गए, मैं फंस जाऊंगा, इसलिए मैं यहां आकर छुप गया था सर। एक बात कहूं, सच्चाई में ही तुम्हारी भलाई है, तब सच सच बताओ। सर मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं सर। देखिए सर, मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं अपने पार्टनर को मारकर अपना बिजनेस, अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करूंगा? और आशीष ने तो सारा बिजनेस संभाल रखा था, बल्कि उसकी मौत से तो सबसे ज्यादा नुकसान मुझे उठाना पड़ेगा सर, फिर मैं ऐसा क्यों करूंगा? ये तो हम पता लगा ही लेंगे प्रताप जी, कि किसका नुकसान है और किसका फायदा पता लगा लेंगे। आप यहाँ क्या हुआ है सर? मेरा ये बात ही कुछ ऐसी है, इसीलिए आना पड़ा। बताइए सर। नहीं तो हम आपको और सूरज को अपने साथ ले जाने आए। क्यों? बस कुछ काम है। बताइए ना सर, क्या हुआ है? सब बताते पता चल जाएगा। आप मेरे बच्चों को ऐसे ले नहीं जा सकते, क्या हुआ है सर बताइए ना। मेरा जी बात यह है कि हमें मुकुल का पता चल गया है। मुकुल का पता चल गया? वो ठीक तो है ना? चलिए तो सही, सब बताते हैं, आइए। आइए। अभिजीत सब रेडी है? हाँ सर, रेडी है सर। सूरज? सर आप लोग हमें यहाँ क्यों लाए हैं? अब बैठो। मुकुल कहाँ है? मुकुल, ये सब क्या हो रहा है? आपने तो कहा था मुकुल मिल गया है, फिर कहाँ है मुकुल? सब पता चल जाएगा मेघा जी, सब पता चल जाएगा। और ये आप मेरे बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं? मेघा जी शांत हो जाइए, पहले हमें अपना काम करने दीजिए, हम फिर आपको सब बताएंगे। आप लोगों ने हमें इस कुर्सी पे क्यों बिठाया है? क्या करने वाले हैं आप लोग हमारे साथ? आपके ब्लड सैंपल्स लेने हैं डीएनए टेस्टिंग के लिए। डीएनए? इसका मतलब आप लोगों ने झूठ बोला? आप मेरे बच्चों के साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकते। बेटा डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। ओके मॉम प्लीज मुझे यहाँ से लेके चलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या हो रहा है मॉम, लेके चलो हमें यहाँ से। मेघा जी अपने बच्चों को जरा शांत रहने के लिए कह दीजिए, डीएनए टेस्ट करना बहुत जरूरी है हमें। प्लीज
जो भी उस घर में गया उसने पहले फ्रिज खोला, फ्रिज के अंदर रखा हुआ सिर उठाया और वहां से गायब हो गया, क्योंकि वो जानता था कि नीतू, मेघा और सूरज तीनों के तीनों बेहोश थे। अगर किसी को तो मालूम था कि मैदान साफ है, ये नीतू और उसकी माँ तो सदमे में बेहोश थे, और ये सूरज ये तो पहले से ही नशे में धुत पड़ा हुआ था। ये जो भी है, कहीं वो वीना के आने के बाद या फिर सर वीना के पहुंचने से पहले। सर तो वीना के जाने के बाद ही गायब हुआ है, क्योंकि नीतू और उसकी माँ ने कटे हुए सिर को देखा और वो बेहोश हो गई। सूरज पहले से नशे में पड़ा हुआ था, किसी ने मौके का फायदा उठाया और सिर लेके गायब हो गया। वो जरूर जानता था अभिजीत कि वीणा ने पैसे कहाँ गाड़े हैं, बस उसने पैसे निकाल लिए और उसी जगह में लाश को गाड़ दिया। लेकिन सर उसने लाश को वहीं पर क्यों गाड़ा? वही तो, वो अगर चाहता तो लाश को जंगल में कहीं पर भी गाड़ सकता था, मगर लाश उसने वहीं पर गाड़ी उस पैसे की जगह में क्यों? लगता है उसने जानबूझकर किया ये, जानबूझकर। लेकिन सर कोई ऐसा क्यों करेगा? शायद फंसाने के लिए, फ्रेडी, फंसाने के लिए। पर ऐसा करेगा कौन? अभिजीत वो ही करेगा जो गायब है, मुकुल। बोल संगे। बस इस मुकुल ने भी कुछ नहीं किया है। क्या, ये तुझे कैसे पता चला? पता है बस। अरे ये अच्छा है, आप एक के बाद एक पहेलियों का जाल हमारे ऊपर फेंकते रहिए और हम ऐसे ही सॉल्व करते रहे। काम है भाई साहब आपका। देख सारुखे, इतना तेरा होने की जरूरत नहीं है, तेरा भी काम है बताने का। बता। मालूम है मेरा काम है, इसलिए जो बता रहा हूं सुनो। ये बिना सर वाली जो लाश है ये मुकुल की है, इसलिए मुकुल ये कर ही नहीं सकता। मतलब वो सूरज और नीतू का डीएनए मैच हो गया? तभी तो पता चला मैं भैया। हाँ तो फिर इसका सर? अरे फिर वही बात, फिर मुझे से पूछ रहा। देखो मैं इतना बता सकता हूँ कि ये जो लाश है ये मुकुल की है, जिसका धड़ है सर गायब है, और आशीष का सर है लेकिन धड़ गायब। अभिजीत अगर ये मुकुल की लाश है तो मुकुल ने कुछ भी नहीं किया, अब आशीष और मुकुल दोनों कर ही नहीं सकते, क्योंकि दोनों की मौत हो चुकी है। वीणा उसने भी नहीं किया, और प्रताप वो तो कर ही नहीं सकता, तो फिर इस सब के पीछे है कौन? सर मिल गया। गुड जॉब। थैंक यू सर। क्या है ये? सर वो उसका नंबर मिल गया सर। सीक्रेट नंबर? अरे सीक्रेट नहीं है सर, ये उस आदमी का नंबर है जिसने गिरिनगर के जंगल तक वीणा का पीछा किया, वहां से पैसे निकाले और फिर आशीष का सिर और मुकुल की बॉडी वहां पे रख दी। ऐसे कैसे? इसको नहीं बताया ना तो रात भर सोएगा नहीं। देख सर उनकी बात ये है कि जो आदमी उस रात मुकुल के घर में मौजूद था उसका फोन हमने ट्रेस किया, लोकेशन पता चल गया, तो फोन वहीं पर था जहां पर वीणा पहुंची थी। मगर है कौन? सर नेमचंद। नेमचंद? अरे सुनिए जी, ये नेमचंद कहाँ रहता है? सर यहाँ रहता है। वहां पर? जी। आज तू गया, आज मैं तुझे जान से मार दूंगा। मेरी मदद करो, बचाओ बचाओ, छोड़ दो मुझे। दरवाजा खोलो नेमचंद। आखिरी सांसें ले ले, गया तू गया। मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं छोड़। कौन कौन है आप लोग? अंदर कैसे आए? कहाँ है वो? है कौन वो आदमी? कहाँ है जिसे तू मारने वाला था? मारने वाला था किसको? नाटक नहीं समझे, हमने बाहर से सुना है तुम धमकी दे रहे थे किसी को जान से मारने की। वो तो सर मैं रिहर्सल कर रहा था। क्या रिहर्सल? जी। क्या है कि मैं एक्टर हूं ना, तो अपने सीन का रिहर्सल कर रहा था। एक्टर? देख कहा है वो दूसरा आदमी, कहा है वो एक्टर? दूसरा एक्टर? ये देखिए सर, मैं अपने हेडफोन से सीन सुन सुन के डायलॉग बोल रहा था। अरे लेकिन दूसरा कहा है? दूसरा? मुझे माफ कर दीजिए, मुझे जाने दीजिए, मुझे मत मारिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं।
मुझे माफ कर दीजिए। यही आवाज सुनी थी ना आपने सर? वाह, मैं धन्य हो गया। आज मेरा सपना सच हो गया, मैं बहुत बड़ा एक्टर बन गया। माँ, मैंने बोला था ना, मैं एक दिन बहुत नाम कमाऊंगा, बहुत बड़ा एक्टर बनूंगा। अच्छा, तो अपनी माँ को ये भी बता दो कि एक महान एक्टर बनने के साथ साथ तुम एक बहुत बड़े क्रिमिनल भी हो। क्रिमिनल? पूरी कुंडली है तुम्हारी हमारे पास, समझे? लाश गाड़ने गिर के जंगल में गए थे ना? विजेत, इसके तो पसीने छूटने लगे। बताओगे या सारी एक्टिंग निकाल दूं तुम्हारी? बताओ जल्दी। सर मुझे माफ कर दो, मेरे करियर का सवाल है। अगर मैं जेल चला गया तो मैं कभी बड़ा एक्टर नहीं बन पाऊंगा सर, मैं कभी बड़ा एक्टर नहीं बन पाऊंगा। क्यों किया तुमने ये? सर वो मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला था। कॉन्ट्रैक्ट? किसने दिया था कॉन्ट्रैक्ट? सर उस रात 11 बजे एक कार आके रुकी थी और थोड़ी सी खिड़की खोलकर मुझे एक चिट थमा दी थी। फिर? सर मुझे पीछे वाले दरवाजे से एंट्री करनी थी और मुकुल के घर की चाबी मेरे पास पहले से ही थी। कौन था वो? नहीं पता सर। अरे पैसे देने तो गए होगे ना उसके पास? नहीं सर, वो सारे पैसे मेरे पास ही हैं। क्या? सारा पैसा तुम्हारे पास है यहाँ पर? पैसा लेकर भागी क्यों नहीं फिर? वो क्या है कि सर मुझे उन पैसों में से एक तिहाई हिस्सा ही मिलने वाला था और मुझे पैसों का कोई लालच नहीं था, मुझे तो बस जुनून था एक्टिंग का, सिर्फ एक्टिंग का। मैं मुंबई में कुछ करना चाहता था, कुछ नाम कमाना चाहता था एक्टिंग में। सर बहुत भाग दौड़ की, कोई रोल नहीं मिल रहा था, बहुत मुश्किल से अभी पिछले दिनों ही मुझे एक कंटिन्यूटी का रोल मिला, टीवी सीरियल बाप भी कभी बेटा था मैं। अब आप ही बताइए मैं वो कंटिन्यूटी कैसे छोड़ के जा सकता था साहब? रात के 2 बजे कोई घर के अंदर घुसता है, फ्रिज में से आशीष का सर निकालता है और लेकर भाग जाता है। उस वक्त घर के अंदर 3 लोग बेहोश थे, जरूर उन 3 में से कोई तो जानता था कि सर गायब होने वाला है और कौन गायब करने वाला है। लेकिन अभिजीत एक सवाल बड़ा परेशान कर रहा है मुझे। सर सवाल ही बहुत इंपॉर्टेंट है, उस इंसान को कैसे पता चला कि ये 3 होश में आएंगे ही नहीं? नेमचंद आसानी से आएगा और फ्रिज में से सर निकाल के चला जाएगा। वो जो भी था सब जानता था, बस बेहोश होने का नाटक कर रहा था, वो इंतजार कर रहा था कि कब अपना प्लान सक्सेसफुल हो जाए। और वैसे हुआ भी, प्लान सक्सेसफुल हुआ। तो फिर बताओगे कौन है वो? आपके कहने का क्या मतलब है? हम में से मारा है क्या किसी ने अंकल को? देखिए मेरे पापा की भी तो जान गई है। और आप कुछ भी बोलेंगे, देखिए मेरे डैड और मेरे बीच में प्रॉब्लम्स थी, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि मैं उनकी जान ले लूंगा। अरे हमने तो कुछ कहा ही नहीं। तुम 3 में से किसी ने मेरे आशीष का खून किया है, मैं जानती हूँ कि तुम 3 में से किसी ने आशीष का खून किया है। बीना तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? स्टॉप इट, बोलो किसने किया है, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम लोगों को। मॉम की संभाल। अरे क्या संभालूं, 3 में से किसी ने हमारे डैड का खून किया है, मैं छोड़ूंगी नहीं इन लोगों को। बीना जी जानना चाहोगी किसने मारा आपके पति को? जानती हो किसने मारा? आपके पति को मारा है मेघा ने। प्लीज आप ऐसा मत बोलिए, मेरी मॉम किसी को नहीं मार सकती, ये हमारी सगी माँ से भी बढ़कर है। और इन्होंने तो हमें अपने बच्चों से भी ज्यादा प्यार किया है। तो फिर पूछो अपनी माँ से, नेमचंद से मिलने क्यों गई थी? मेघा जी आपके सारे फोन रिकॉर्ड हमने चेक किए हैं, पता है हमें उस रात 11 बजे आप नेमचंद की वहां गई थी, क्यों? मॉम प्लीज बोलो सच क्या है, मॉम प्लीज बोलो सच क्या है, मॉम से क्या सच है? हाँ, ये सच है। अब ये भी बता दीजिए कि ऐसा किया क्यों आपने? मुकुल, आशीष, प्रताप, इन 3 ने मिलके मेरे भाई को धोखा दिया, अंकित को धोखा दिया,
अंकित इस कंपनी का मालिक था। उसने अपने इन तीनों दोस्तों को काम दिया, कंपनी में पार्टनर बनाया, लेकिन इन तीनों बेईमानों ने सब कुछ अपने नाम किया और अंकित को मार डाला और ऐसे जताया जैसे उसने आत्महत्या की हो। मुझे इन तीनों से बदला लेना था और अपने भाई के पैसों को भी वापस पाना था, इसीलिए मैंने मुकुल से दूसरी शादी की, क्योंकि मुझे अपने भाई का बदला पूरा करना था। बदले किया? एक बात बताओ मेघा, आशीष का सिर तुमने फ्रिज में क्यों रखा और फिर उसे बाहर क्यों निकाला? क्योंकि मुझे इस सूरज पर इल्जाम डालना था, वीना को फांसना था। वो फेक इनकम टैक्स का कॉल भी मैंने ही किया था ताकि ये दोनों घबरा जाए और वैसा ही करे जैसा मैं चाहती हूँ। सूरज को भी अपने पापा के खिलाफ मैंने ही करवाया था। क्यों मॉम, क्यों किया ऐसा? क्योंकि सूरज और वीना अच्छे तरह से जानते थे कि अंकित का कत्ल इन तीनों ने किया है, और ये जानते हुए भी इन दोनों ने उनका साथ दिया, इसीलिए। मेघा जी, बदले की आग में तुमने क्या किया? तीन मासूम बच्चों के सिर से उनके पिता का साया हटा दिया, दो दो खून किए। कानून तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता, कड़ी से कड़ी सजा होगी आपको, शायद फांसी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।